हेलो दोस्तों, माय नेम इज सागर एंड यू आर वाचिंग डीएल जोन। गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ आरआरबी स्टेनोग्राफर एग्जाम के रिलेटेड। कई ऐसे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ चुका है, कॉल आ चुका है और मेरे भी आज इस रिगार्डिंग की किस तरह से बच्चे एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं आरआरबी स्टेनोग्राफर का एग्जाम का रिजल्ट आने में, रिटन एग्जाम का रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन अब इसका जो रिजल्ट आ चुका है, जब इसके स्किल टेस्ट होना है, स्किल टेस्ट की डेट क्या हो सक्ती है, किस तरह का लेवल होगा, कहां से तैयारी करनी है, सभी क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आ रहे हैं। किस तरह से यहाँ पे लेवल चेक किया था, किस तरह से यहाँ पे डिक्शन को चेक किया जाता है, कितनी मिस्टेक यहाँ पे अलाउड होती है, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले, पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। देखिए, ज्यादा शॉर्ट में बताऊंगा और ज्यादा लॉन्ग में वीडियो को नहीं खींचने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज आप वीडियो को, आपको बीच में भी अगर पसंद आए ना, बीच में भी आपको कहीं भी पसंद आए, आपको लगे कि मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हूँ, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे लिए सब्सक्राइब आपका चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। बस सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड स्टार्ट कर देंगे गाइस आज की वीडियो आरआरबी स्टेनोग्राफर एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो गाइस पॉइंट्स पे आते हैं। सबसे पहले आरआरबी स्टेनोग्राफर एग्जाम जो आपका हुआ था, उसके रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। बात करते हैं यहाँ पे स्किल टेस्ट की डेट के लिए। पहला पॉइंट मेरे पास में आता है, जो आप सभी क्वेश्चन जब सभी के माइंड में हो सकता है कि मुझे कि आपका होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आरआरबी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट की डेट आपकी क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन जो जा रही है वो रहेगी फेब 15 से मार्च एंड तक के बीच में, ठीक है। फेब 15 से मार्च एंड के बीच में, ये डिपेंड करता है कि आपका जो आरआरबी आपने कहां से फिल किया है, वहां पे वो कब करवाते हैं। सबका अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि एक ही कराएगा, ठीक है। सब आरआरबी अपना अलग अलग कराएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है, वहां पे कोई इलेक्शन तो नहीं है, हो सकता है कि वहां पे कोविड सिचुएशन ज्यादा तो निकली है। ये सभी चीजें देखने के बाद में वो जो आपका जो स्किल टेस्ट आपका वो कराएंगे, अनाउंस कराएंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि एवरेज मैं लेके चलता हूँ, फेब 15 से आपका मार्च तक होने के चांसेस, आपके स्किल टेस्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बन रहे हैं। आपके पास में अराउंड 6 मंथ आपके हैं, आराम से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो 6 मंथ के लिए, ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है यहाँ पे कि आपकी कितनी मिस्टेक आपके अलाउड थी, किस तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एग्जाम को पास करने का। देखिए, 300 मार्क्स का वहां पे आपका एग्जाम होने वाला है, 300 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट होगा आरआरबी में, ठीक है। इसको पास करने के लिए आपको 270 मार्क्स आपको लाने होंगे, जिसमें 30 मार्क्स की मिस्टेक आपको अलाउड है, 30 मिस्टेक्स, ठीक है। 30 मार्क्स और 30 मिस्टेक्स बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 30 मार्क्स की मिस्टेक आपको यहाँ पे अलाउड है। अब देखिए, 30 मार्क्स की मिस्टेक आपको किस तरह से अलाउड है, आपको एक मिस्टेक के 0.33 मार्क्स डिडक्ट होंगे, वन फुल मिस्टेक के, ठीक है। हाफ मिस्टेक के 0.17 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। ऐसे ओवरऑल आपको मिला के जब आपके 30 आपके हो जाते हैं मार्क्स, अगर आपकी 31 मिस्टेक्स हो जाती है, 31 मार्क्स की मिस्टेक हो जाती है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब यहाँ पे मैं ये भी बताता हूँ आपको, यहाँ पे फुल मिस्टेक किसकी काउंट होती है, हाफ मिस्टेक किसकी काउंट होती है, ठीक है। कहाँ से तैयारी करनी है ना, कौन से मैटर की तैयारी करनी है, वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है गाइस, और आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो चीजें। तो यहाँ बात करते हैं, फुल मिस्टेक यहाँ पे काउंट होती है। फुल मिस्टेक आपकी होती है अगर आप वर्ड को छोड़ देते हो, बिल्कुल आपने वर्ड था वैसे मोबाइल था, आपने मोबाइल छोड़ दिया, ठीक है, मोबाइल आपने लिखा ही नहीं है, या हो सकता है आपने मोबाइल की जगह पे लैपटॉप लिख दिया, ठीक है, वर्ड रिप्लेस कर दिया, उसकी आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे आप वहां पे कोई वर्ड था ही नहीं, आपने एक एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया, एडिंग कर दिया उस वर्ड की, तो आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी। ये आपके केसेस होते हैं, आपकी फुल मिस्टेक काउंट होते हैं, ठीक है। हाफ मिस्टेक आपकी कब काउंट होती है, हाफ मिस्टेक होती है आप किसी वर्ड को स्पेलिंग रॉन्ग कर देते हैं, किसी वर्ड की स्पेलिंग जो आप रॉन्ग कर देते हैं, आपने डबल एस था सिंगल एस लगाया, ठीक है, आपने वर्ब रॉन्ग कर दी, तो आपके पे हाफ मिस्टेक काउंट होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है कैपिटलाइजेशन एरर। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके आपकी फर्स्ट अल्फा आपका हमेशा कैपिटल आता है, लेकिन आप उसको स्मॉल कर देते हो, तो वहां पे आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। फुल स्टॉप की मिस्टेक काउंट नहीं होगी, लेकिन फुल स्टॉप के बाद में जो आपका फर्स्ट अल्फाबेट आता है उसकी आपका कैपिटल आपको लिखना चाहिए, लेकिन आप अगर आपको स्मॉल में लिख देते हैं तो आपके हाफ मिस्टेक यहाँ पे भी काउंट होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। कोमा की यहाँ पे कोई एरर नहीं होती है। स्पीड बता दो, यहाँ पे आपको 80 की स्पीड से आपकी डिक्टेशन आती है, ठीक है। 80 की स्पीड से आपकी डिक्टेशन आएगी, 80 वर्ड पर मिनट की होगी, 800 वर्ड्स की यहाँ पे डिक्टेशन आपको दी जाएगी, ठीक है। 50 मिनट आपको दिए जाएंगे इसको टाइप करने के लिए, 10 मिनट की आपको डिक्टेशन दी जाएगी, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे डिक्टेशन होने के बाद में आपका एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह का मैटर यहाँ पे आ सकता है। तो गाइस, तैयारी आपको कहां से करनी है, कौन से मैटर की करनी है, देखिए आपका लेवल सबसे पहले बात करते हैं। जो उसका एग्जाम का लेवल होगा ना, वो केसी लेवल तक का होगा, केसी लेवल तक का होगा, लेकिन आपको एग्जाम की जो मैटर चाहिए होगा ना, वो मैटर तुम्हें अलग लेना होगा, ठीक है। आप क्लास 10 का मैटर नहीं ले सकते, लेकिन उसका लेवल वही होगा। कौन सा मैटर आपको तैयारी करना है, लास्ट की 2019 से अभी तक, ठीक है, 2019 से अभी तक जितने भी आपके बजट्स हैं रेलवे बजट, उनको आप अच्छे से घोट कर पी जाएंगे। दूसरी चीज आती है
रेलवे से रिलेटेड कोई भी आपको आर्टिकल मिलता है, ऑनलाइन सर्च करेंगे, प्रोग्रेसिव में सर्च करेंगे, केसी में सर्च करेंगे, लेटेस्ट आपको आर्टिकल कहीं पे भी मिलता है, आप उसको अच्छे से घोट के बेच जाएंगे। कैसे आर्टिकल्स आपको मिल सकते हैं? कोई आपका नया रूट स्टार्ट हुआ, कोई आपकी नई ट्रेन स्टार्ट हुई है, कोई न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, रेलवे में, अब सभी को इन सभी के नेम्स की स्पेलिंग के साथ साथ इसकी आउटलाइन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रेलवे स्कीम्स जो भी आई हैं, वो सभी स्कीम्स आपको एक बार अच्छे से लिखनी होंगी, प्रैक्टिस कर लीजिए। रेलवे बजट अच्छे से गौर की पी जाइए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस आपको करनी होगी लास्ट वन ईयर तक की, ठीक है गाइस, अच्छे से प्रैक्टिस करके चलिए। और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अगर हो सकता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी का एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, स्किल टेस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा, फैब तक होगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे बच्चे चाहते हैं। अच्छा, आपको मैं एक और चीज बता दूं, कई मेरे पास में स्टूडेंट्स का कॉल आया था कि वो यहाँ पे क्लासेस लेना चाहते हैं। देखिए, हमारी एक क्लास चलती है 3 बजे दिन में, हमारी 3 बजे क्लास चलती है जो आपके SSC एग्जाम के लिए चलती है, ठीक है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप रेलवे का लेना चाहते हैं, वो आपकी 3 बजे वाली फ्री क्लास होती है, आप कभी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। रेलवे के हमारे पास में आपको क्या अवेलेबल होगा, रेलवे में आपको जो भी आपकी आउटलाइंस होती है ना, वो सभी आपको आउटलाइंस की बुक मिल जाएगी, जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकें, अपनी मिस्टेक्स को कवर कर सकें, ठीक है। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हम नहीं जानते हैं, जैसे प्लान कब हमें यहाँ पे छोटा आएगा, कब बड़ा आएगा, ये सारी चीजें जो होती हैं आपको उस बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज आते हैं, यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन प्रैक्टिस होगी स्किल टेस्ट सीरीज की, वो आपको मिलेगी। ऑनलाइन आपको डिक्टेशन मिलेगी, जो आपकी डिक्टेशन इंपॉर्टेंट है RRB एग्जाम के लिए, वो आपको डेली डिक्टेशन मिलेगी। डेली आप टेस्ट दोगे, डेली आप डिक्टेशन लोगे, डेली इसको टाइप करोगे, डेली आप सबमिट करके चेक करोगे आपकी कितनी एरर आ रही है। लेकिन आपको वो डेली करना होगा, अगर आप उससे कॉन्टेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप उसमें डेडिकेशन दें। ये नहीं कि आप बस लेके बैठे हुए एंड उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मैं चाहूंगा कि आप डेली इसकी प्रैक्टिस करें, डेली इसको टाइप करें, चेक करें उसमें आपकी कहां मिस्टेक करी है, मुझसे पूछे। जैसे मैं यहाँ पे मिस्टेक आ रही है, मैं आपके कैपिटल मिस्टेक काफी ज्यादा कर रहा हूँ और मेरे यहाँ पे वर्ड छूट रहे हैं या मेरे को मिस हेयरिंग हो रही है, आप मुझे वो क्वेरीज पूछिए, ठीक है, तभी मैं आपको उसका आंसर दे पाऊंगा। तो अगर आप आपके पास में वो डेडिकेशन है, अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा कि किस तरह ज्वाइन करना है, ठीक है। आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस उस कोर्स के लिए RRB स्टेनोग्राफर के लिए ही वो एक मैंने कोर्स बनाया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो बस अच्छे से आप एग्जाम की प्रैक्टिस कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन अगर आपको रह गया हो, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैं आपके लिए लाइव आया था, उसमें वो क्वेश्चंस मैंने पुट अप कर लिए थे, आपने जो पुट अप किया था, सॉरी, ठीक है, उनके आंसर मैं वहां पे दे चुका हूं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन आपको उन क्वेश्चंस के आंसर आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। कोर्स के रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड आपको शेयर कर सकते हैं। गाइस आपकी कोई भी अगर कोई भी क्वेरी होती है ना, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड मैं ट्राई करूंगा उस क्वेरी को सॉल्यूशन निकालने का, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, एसएससी स्टेनोग्राफर या कोई सा एग्जाम होता है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड बस मेरे को भी कम टाइम मिलता है आजकल वीडियो बनाने का जॉब की वजह से, बट मैं हाँ ट्राई करूंगा आप सभी के लिए और वीडियो बनाने के लिए। बस मुझे क्या चाहिए, आपका लाइक चाहिए यार, वीडियो पे एक लाइक होगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, बस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का, ठीक है। आपके लाइक्स कम हो जाते हैं, मेरी वीडियोस कम हो जाती है, तो प्लीज इस पर थोड़ा सा वर्क कीजिए, मैं अपनी वीडियोस पे थोड़ा सा और वर्क करता हूं। तो चलिए गाइस, बाय बाय, मिलेंगे नई वीडियो में, टेक केयर, ओके।